नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई 1 उसमें से चौथी कविता जिन ढूंढा इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट में पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया। अब हम आज यहाँ पर स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्वाध्याय में, वह इस तरीके से है कि कबीर दास सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, है ना। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए में सबसे पहला प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका के अंदर हमको प्रश्न दिया हुआ है कि कबीर के अनुसार करनी और भरनी में अंतर, है ना। करनी और भरनी, कबीर के अनुसार करनी और भरनी क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए हुए, तो हमने जो दोहे पढ़े हुए हैं, है ना, उसके अंदर हमको ये सारी बातें मिल जाती है। पहला तो उसने करनी और भरनी के बारे में यह बताया कि वह तुम्हारे लिए बोएगा, क्या बोएगा, कांटा बोएगा, और तुम उसके लिए क्या बोओगे, तो फूल बोओगे, कोई भी एक चीज़ हम ले सकते हैं उसमें से। फिर जब तुमने उसने कांटा बोया और तुमने उसके लिए फिर भी फूल बोया, यानी उसने तुम्हारा बुरा चाहा फिर भी तुमने जो है अच्छा ही चाहा, तब क्या हुआ, तुम्हें मिलेंगे फूल के फूल, क्योंकि तुमने अच्छा किया तो तुम्हें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन उसे मिलेंगे तिरसूल अर्थात कांटे मिलेंगे, अर्थात उसको बुरा फल उसका मिलेगा, ठीक है। दूसरे हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि उचित जोड़ियाँ मिलाइए। उचित जोड़ियाँ मिलाइए के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको अ और आ ये दो गढ़ दिए हुए हैं, इस तरफ कुछ शब्द दिए हैं और इस तरफ दिए हैं। अब हमको उनका अपोजिट मीनिंग या उनका एक दूसरे के साथ में संबंध जो है वो दिखाना है। अपोजिट तो नहीं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में हमको उनका संबंध दिखाना है। तो अब गुरु, गुरु का संबंध इनमें से किसके साथ में, तो गुरु का संबंध है शीश के साथ में, है ना, शीश यानी विद्यार्थी, है ना, उसके बाद में शिष्य जिसको बोल सकते हैं। दूसरा है पंथी, तो पंथी किसका, पंथी के साथ में किसका, पंथी की, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो छाया से उसका संबंध है, ठीक है। फूल, जो तो को काटा बुए उहे बोए तू फूल, यहाँ पे फूल का संबंध किसके साथ में, काटा के साथ में। फिर कुम्हार, कुम्हार का संबंध किसके साथ में, कुंभ के साथ में, वो क्या करता है, घड़े को सहारा देते जाता है, ऊपर से मार मार के उसको अच्छा आकार देते जाता है, तो कुम्हार यानी इसमें से हम ढूंढेंगे तो कुंभ। इस तरीके से आपका उचित जोड़ियां मिलाइए, यह एक प्रश्न है जो हल हो चुका है। अब हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न यहाँ जो बना है वो है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये प्रश्न एकदम अधिकतर मतलब एग्जाम में आता ही आता है, तो इसकी तैयारी आप रखिएगा जरूर से कि कस्तूरी की खोज करने वाला, कस्तूरी की खोज करने वाला यानी मृग, मृग यानी हिरण, जिसके खुद के नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसकी सुगंध उसको पसंद आती है और उसके कारण वो जंगल जंगल घूम कर उसको प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है ना। किनारे पर बैठा रहने वाला, किनारे पर बैठा रहने वाला यानी बोरा व्यक्ति, बौरा व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति, जो कि भगवान की भक्ति में डूबना नहीं चाहता बल्कि किनारे पर बैठकर ही संसार के रूप को देखना चाहता है, तो बोरा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, बोरा। तीन नोकों वाला अस्त्र, तीन नोकों वाला अस्त्र क्या है, तिरसुल। तो हमने यहाँ पर ये जो लाइन देखी थी कि जो तोको काटा बोए ओहे बोए तू फूल, है ना, तो वहाँ पर हमको जो ताको काटा, तोको काटा बोए ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है तिरसुल, तो तिरसुल यहाँ पे तीनों नोकों वाला अस्त्र है तिरसुल यानी त्रिशूल। हम जब मंदिर में जाते हैं शिव जी के मंदिर में या माता जी के मंदिर में, हमको त्रिशूल दिखाई देता है वो, है ना, जो बलहीन है, जो बलहीन है वो व्यक्ति कैसा है, तो वो दुर्बल है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न चौथा देखते हैं हम लोग। प्रश्न चौथे में क्या है कि दोहों में आए सुवचन बताइए। अब दोहों में इसमें कई तरीके के सुवचन है ना, हर दोहे में कोई ना कोई सुवचन है, या इसमें से कम चार पांच दोहे में तो बहुत से सुवचन दिए, लेकिन यहाँ पे एक ये है कि अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, ये कौन है, तो गुरु है, जो अंदर से सहारा देता है शिष्य को लेकिन बाहर से उसको कठोर वचन बोलकर जो है उसके व्यक्तित्व को आकार प्रदान करता है। दूसरा मैंने लिया है ऐसे घट में पी वह दुनिया जाने नहीं, ऐसे ऐसा घट, ये वाली जो लाइन है ये भी आपके कौन से इसमें आ जाती है, सुवचन के अंदर आ जाती है ना। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोहों में पांचवा नंबर इधर है, एक मिनट, पांचवा ये है कि निम्नलिखित अर्थ के शब्द दोहों से ढूंढकर लिखिए। पुत्र, पुत्र यानी क्या, तो लाल। यहाँ पर हम जब कविता पढ़ेंगे तो हमको इसके अंदर पुत्र यहाँ एक शब्द दिखाई देगा, वह उसका मीनिंग होगा लाल। अब मैं इसको आपको ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे दिख जाए तो मैं तुरंत आपको बोलकर बता देती हूँ। हाँ, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पे लाल का अर्थ अलग अलग है, यानी एक ही लाल के कई अर्थ निकल गए। ये अब हम लोग देखेंगे तो ल ल ल की इसमें पुनरावृत्ति भी हो रही है, ये सब हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। तो पुत्र का अर्थ यहाँ पे लाल है। इत्र विक्रेता कौन है, इत्र विक्रेता साधु, यानी अच्छों के संगत में रहने से अच्छे ही असर आएंगे। जैसे इत्र विक्रेता के साथ में रहने से क्या होता है, बिना खरीदे इत्र की खुशबू हम तक पहुंच जाती है, वैसे अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ हमारे तक पहुंच जाती है। परमात्मा, परमात्मा यानी यहाँ पर कौन सा ही है, भगवान है ना, खुद यानी मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि दोहे में प्रयुक्त निम्न शब्दों के दो अर्थ लिखिए। मृग, मृग का अर्थ क्या हो सकते हैं, दो क्या अर्थ हो सकते हैं। तो पहला तो अर्थ है हिरण, क्योंकि हमने यहाँ पे कविता इसमें दोहे में ही देखा है, और दूसरा मृग एक नक्षत्र भी होता है, ठीक है, मृग नक्षत्र। फिर उसमें कुंभ, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, ये जो है ये घड़ा है, धड़ा नहीं है, है ना, घड़ा। तो पहला तो कुंभ यानी घड़ा, और दूसरा कुंभ यानी शिष्य, क्योंकि यहाँ पे हमको कुंभ का मतलब ही शिष्य बताया गया है, कि कुंभ को अंदर से यानी घड़े को अंदर से हाथ से सहारा दे देकर जो है कुम्हार ऊपर से उसको कठोरता से सही आकार देता है, इस तरीके से। फल, फल का एक अर्थ तो होता है परिणाम, जो कोई कार्य करे और फल की चिंता न करे तो यानी कि परिणाम, और दूसरा है फल यानी खाने वाला फल। फिर उसके बाद में चौथा नंबर है बाल, बाल में देखिए पहला तो सिर के बाल है कि नहीं, और दूसरा हो जाएगा गेहूं के बाल, यानी गेहूं उगते हैं तो जिसके अंदर गेहूं लगे रहते हैं वो बाल, जो भुट्टे के समान छोटे छोटे से बाल लगते हैं, गेहूं की बाली उसको बोला जाता है, तो गेहूं के बाल है ना, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है कि अपनी पसंद के किसी एक दोहे के भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा को लिखिए। अब दोहे से प्राप्त, दोहे के भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा, अब आप कोई भी इसमें से दोहा ले सकते हैं। जैसे आपने गुरु शिष्य वाला लिया तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मुझे इस दोहे से यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि जो गुरु होता है वो शिष्य को चाहे कितना भी डांट ले, लेकिन वो शिष्य के हित के लिए ही होता है, वो कभी भी शिष्य का बुरा नहीं चाहता, इसलिए मैंने इससे यह प्रेरणा ली कि आगे से मुझे अगर मेरे गुरुजी या मेरी टीचर मुझे डांटे तो मैं उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा या बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मैं यह सोचूंगी कि यहाँ इसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई ही छुपी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें प्रेरणा लिख सकते हैं। फिर लास्ट का क्वेश्चन है उपायोजित लेखन। उपायोजित लेखन में शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। अब शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए में यहाँ अपने को वर्ड्स दे दिए गए, जैसे थैली, जल, तस्वीर और अंगूठी, इन शब्दों का यूज करके हमको एक कहानी बनाना है। वो कहानी शब्दों के ऊपर आधारित है। आपको अगर दिया हुआ है कि 200 शब्दों में लिखिए तो उतने शब्दों में लिखा है, कि 100 शब्दों में लिखे तो 100 शब्दों में, तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी अगर कहानी हम तैयार करते हैं तो उसमें और शब्द या लाइनें जोड़कर हम उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी हम कर लेते हैं फिर उसको संक्षिप्त करने में हम कहीं ना कहीं कुछ या तो खास बात को भूल जाते हैं लिखना, या फिर हम जो फालतू की बातें रहती वो ज़्यादा लिख देते और काम की बात को नहीं लिख पाते, या जो भी हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके लिए बना दी है। ऐसे आपको कहानियाँ, आप कोई भी कहानी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने कहानी बनाई है वो इस तरीके से मैंने बना दी है, आप अगर चाहे तो इसको देख सकते हैं, इसी को भी लिख भी सकते हैं, अपने पास में नोट करके इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसमें बनाया है कि उपायोजित लेखन, यहाँ पर एक किसान गांव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। खेती करके जो अनाज उत्पन्न होता उसे वह शहर ले जाकर बेच देता। एक बार वह पत्नी और लड़की को भी शहर में लगा हुआ मेला दिखाने के लिए साथ में लेकर गया। उस दिन उसकी लड़की का जन्मदिन था, है ना, इसलिए किसान ने अपनी बेटी को एक सुंदर सी अंगूठी उपहार में लेकर दी। अब अंगूठी एक जो शब्द है ये हमारा इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, तो एक अंगूठी जो है वो उपहार में दी। और हाँ विद्यार्थियों, मुझे एक और बात कहना है कि जब ऐसे शब्द दिए हुए रहते हैं और उसके आधार
पर आपको कहानी बनानी रहती है, तो जब आप उस कहानी को लिखते हैं तो आप अगर वो शब्द जहाँ आता है उसको अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जो चेक करता है उसको फटाफट वो सारे शब्द दिख जाते हैं कि हाँ आपने ये वाले शब्दों का यूज़ पूरी तरीके से किया, और वहीं पर आपका आधी जीत वहीं पर आपकी हो जाती है ना। तो इस तरीके से आप उसको अंडरलाइन करके भी रखें। तो और बाद में उसने लिखा, बाद में मैंने कहानी में लिखा है कि उसकी लड़की का जन्मदिन था, उसने अंगूठी दी और यादगार के रूप में अपने परिवार के साथ एक तस्वीर भी खिंचाई। अब तस्वीर शब्द जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तस्वीर यानी फोटो है ना, मेले में फोटो खिंचवाई उसने। सारा सामान एक थैली में रखकर, काय में रखा उसने, थैली में, तो थैली शब्द भी हमको क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आ गया। सारा सामान एक थैली में रखकर बस से वापस गांव जा रहे थे, उनका सामान बस में ही छूट गया पर वह एक भले आदमी को मिल गया। उसमें किसान की फोटो देखकर उसने उसे पहचान लिया कि वह पास ही के गांव का रहने वाला है। और फिर क्या हुआ, और फिर उसने वहां जाकर किसान को उसका सारा सामान लौटा दिया। किसान वापस सामान पाकर खुश हो गया और किसान ने उसे पीने के लिए जल दिया यानी पानी दिया, और साथ ही उसके लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये एक लाइन और आप इसमें जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है जगह नहीं बची थी इसलिए मैं ये आपको ओरली ही बता देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जिन ढूंढा इसका जो स्वाध्याय है ये कंप्लीट हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि आपको अब जिन ढूंढा इस दोहे में, संत कबीर के इन दोहों में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और स्वाध्याय भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। पहले तो मुझे ये जानना है कि हेल्पफुल है या नहीं, यानी आगे भी मैं स्वाध्याय बनाऊँ या न बनाऊँ उसके ऊपर वीडियोज़ है ना, ये मुझे मालूम करना है। इसलिए आप कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। अपने घर में ही रहिए, पढ़िए और सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। घर के सभी, परिवार के सभी सदस्यों की, स्पेशली बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि उनको इस संकट की घड़ी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे और बूढ़ों पर इसका जो परिणाम है इस कोरोना वायरस का वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वयं को भी स्वस्थ रखें, उन्हें भी स्वस्थ रखें। लगातार कहीं भी हाथ लगाने के बाद में अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्ते।